हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब मीडियम क्या हुआ? जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है, ठीक है ना? तो इस तरह से जब लाइट जब अच्छा एक काम करो, एक ग्लास में पानी भर के रखो, ठीक है? फिर उसमें अपना एक पेन डालो, तो बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे पानी के अंदर पेन टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना? तो क्या हुआ, जो लाइट होती है ना, हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो उनसे आने वाली जो रेज होती है, जो हमारी आई से पड़ती है, फिर रेटिना पे जाके उनकी इमेज बनती है, तब तो हम चीजों को देख पाते हैं, राइट ना? तो जब हम पेन को किसी कांच ग्लास में डालोगे, पानी भर के पेन को उसमें रखोगे, तो पेन टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट जो आ रही होती है ना, वो रिफ्रेक्टेड होती है। ठीक है, देखो रिफ्रेक्शन क्या होता है कि बीम जो है, लाइट बीम जो है, वो अपनी जगह से रिफ्रेक्ट हो गई, मतलब टेढ़ी हो गई, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। समझ में आया? इसको हम रिफ्रेक्शन बोलते हैं। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन देखो, When light travels obliquely from one transparent medium into another, it get bent. ठीक है? This bending of light is called refraction of light. Bend मतलब अपने पाथ से हट गई, मुड़ गई, तिरछी हो गई, झुक गई, ठीक है? That is called bending of light. ठीक? When light travel from rarer medium to denser medium, it bends toward the normal. ठीक है? जो normal line पता है ना, normal line क्या होती है? Perpendicular. ठीक, तो नॉर्मल लाइन पे जब रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो नॉर्मल की साइड झुक जाएगी, और जब डेंसर से रेयर मीडियम की साइड जाएगी तो क्या करेगी, नॉर्मल से अवे साइड, नॉर्मल से दूर की साइड जाएगी। ठीक है, वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखो इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंज, दूसरे मीडियम में चेंज हो जाता है डायरेक्शन, ठीक है ना? लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो या तो नॉर्मल की साइड बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्न्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। देखो अभी ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में चेंज हो जाती है, तो लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के देखो रूल्स क्या क्या है, लॉ क्या क्या है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक है? अब यहाँ पे जो लाइट आ रही है, और अब मीडियम जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिफ्रेक्ट हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो ये रे जा रही है, देखो ये फिगर सही नहीं बना, मैं दूसरा फिगर बनाती हूँ। देखो ये मीडियम, ठीक है? अब इस मीडियम पे एक ये रे है, ठीक, और ये यहां से ऐसे टिल्ट हो गई, ठीक है ना? अब इस मीडियम पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन ऐसा होगा, ये है नॉर्मल लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द, जो मीडियम है उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब नॉर्मल, अब देखो ये फिर से इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है ना? ये है इंसिडेंट रे आई, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल लाइन यानी परपेंडिकुलर, और ये है अपनी रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है ना? ये तीनों कहाँ पे होंगे, इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपोर्ट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक, एट द, ऑल लाई ऑन द
सेम प्लेन और ये सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। समझ में आया है नहीं ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद देखो द रेशियो। अब इसका रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर मीडियम फिक्स कर दें और लाइट ऑफ कलर को फिक्स कर दिया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। इस लॉ को क्या बोलते हैं? इस लॉ को बोलते हैं स्नेल लॉ। देखो ये लिखा हुआ है स्नेल लॉ। इस लॉ को हम स्नेल लॉ बोलते हैं, ठीक है, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0 to 90 के लिए हमेशा सही होता है। इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? सेकेंड मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, समझ में आया ये चीज? अब ये देखो जो फिगर मैंने आपको बना के दिखाया था वही यहाँ पे बना हुआ है। मैं अपना वाला फिगर हटा देती हूँ। ठीक है, देखो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल लाइन। ठीक है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन। अब इंसिडेंट रे अगर स्ट्रेट जाती तो वो ऐसा जाती सीधा, बट वो क्या हुई, वो टिल्ट हो गई और टिल्ट होके टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन आ गई। अब देखो ये एयर से गैस में आ रही है, तो एयर कैसा है? रेयरर मीडियम है। गैस कैसा है? डेंसर मीडियम है। तो ये टिल्ट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल के। ठीक है, अब देखो सेकंड में जब ये वापस ग्लास से बाहर एयर पे जाएगी तो अब ये नॉर्मल है। ठीक है ना, अब ग्लास कैसा है? टेंसर मीडियम है। एयर कैसा है? रेयरर मीडियम है। तो ये अवे टू नॉर्मल जाएगी। देखो ये अवे हो गई नॉर्मल से। ठीक है, और ये पैरेलल, ये सीधे चली गई लाइन। ठीक है, अवे होके ये सीधे चली गई। तो एक बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, एक बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, समझ में आया है नहीं? ठीक, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पहले वाली रेखा और दूसरे वाली का, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब ये दोनों जो होती है ना, ये पैरेलल हो जाती है। ठीक है, देखो when a ray ऑफ लाइट passes थ्रू अ rectangular ग्लास स्लैब इट gets bent twice एट द एयर ग्लास इंटरफेस। ये है एयर ग्लास इंटरफेस और ये है ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है, एंड एट द ग्लास एयर इंटरफेस, ऊपर वाला एयर ग्लास, नीचे वाला ग्लास एयर, जो पहले आ रहा है ग्लास फिर एयर। द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। स्ट्रेट, अगर जो पहले वाली इंसिडेंट रे है उसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए और जो फाइनल इमरजेंट रे है, तो ये कैसा बन जाएगा? ये पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ये है आई। और देखो रिफ्रेक्टिव कौन सा होता है? नॉर्मल और रिफ्रेक्टिव रे के बीच का, तो ये क्या है? आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आया? यही था स्नेल लॉ। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर ये है रिफ्रेक्टेड रे। अब ये रिफ्रेक्टेड रे जब निकलेगी तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंट भी कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, समझ में आया? ये इमर्जेंट रे है। ओके, किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखो इसके आगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। बताया था ना कि अगर स्पीड ऑफ लाइट जो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो अगर हम दो मीडियम को फिक्स कर लें कि इन्हीं दो मीडियम में और सेम कलर की लाइट को डालें, तो उनका कॉन्स्टेंट हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, एंड टू वन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। यहाँ पे n क्या है? ये है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। समझ में आया? तो बाद में क्या है? वन, तो न्यूमरेटर में आएगा वन। पहले क्या है? टू, तो डिनोमिनेटर में आएगा टू। तो ये होगा वी वन अपॉन वी टू, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा?
एन एम, देखो एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यहाँ पे सी क्या है, सी है लाइट की स्पीड इन एयर, वी है लाइट की स्पीड इन एनी मीडियम, तो हम एन को क्या लिखेंगे, सी अपॉन वी, देखो लिखा ना, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे वैक्यूम होना चाहिए था, एयर नहीं होना चाहिए था, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द पेस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो देखो अलग अलग चीजों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, वैक्यूम में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर में क्या होता है 1.003, कार्बन डाइऑक्साइड 1.005, आइस में, अब देखो जैसे जैसे डेंसर होता जाएगा ना मीडियम, जैसे जैसे डेंसर होता जाएगा वैसे वैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, देखो ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ है जो आपको आइस का याद रखना चाहिए, प्योर वाटर का 1.33 होता है, ये याद रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, वाटर का नहीं दिया रहता, तो वाटर का हमेशा याद रखना 1.33 होता है और एयर का 1.003 होता है, और कुछ अगर दिया जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर और भी इनमें से कोई भी मीडियम जो है अगर ये यूज किया जाता है तो क्वेश्चन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तक ही पढ़ेंगे, रिफ्रेक्शन पढ़ा हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, ओके, टिल देन बच्चों बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, वीडियो छोड़ना मत, कोई भी टाइम से पढ़ो, अपना टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करो।